वन सीजन थ्री में प्रेशर टेस्ट के एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा था कि चार कंटेस्टेंट्स थे हमारे साथ जिन्होंने बहुत अच्छा कम्पीट किया और आखिर में तीन ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया और एक कंटेस्टेंट को घर जाना पड़ा। आज के इस एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही होगा। चार पार्टिसिपेंट्स होंगे हमारे साथ और चारों के चारों जजेस की तरफ से दिए गए टास्क पे कम्पीट करेंगे। लेट्स सी कौन से वो तीन खुशनसीब होंगे जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे और कौन से वो कंटेस्टेंट होंगे जिन्हें जाना पड़ेगा आज अपने घर। सो ये देखने के लिए आपने देखते रहना है शेफ वन सीजन थ्री। अभी के लिए मैं सबसे पहले इन्वाइट करूंगी हमारे कंटेस्टेंट्स को एक एक करके। तो सबसे पहले जिनको मैं इन्वाइट करने लगी हूँ जी वो है फैजान अमजद। फैजान क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। फैजान जी ये बताएं कि आपका जो एक सिलेक्शन राउंड था और उससे अब तक आपने कोई प्रैक्टिस की, कोई घर में जाके रेसिपी देखी कि यार ये भी देख लूं वो भी देख लूं? जी की तो थी, जितनी जरूरत समझी उतनी कर ली। अब आगे किस्मत में होगा तो इंशाल्लाह जरूर सिलेक्ट होंगे। चले जी, फैजान ने सब कुछ किस्मत के हवाले कर दिया है। तो अभी के लिए जो हम फैजान को भेजते हैं उनके काउंटर पे, और फैजान आपका है काउंटर ए, आप जाइए अपना काउंटर संभाल लीजिए। फैजान ने अपना काउंटर संभाल लिया है और यहीं से टास्क की शुरुआत भी होगी। सो नेक्स्ट अब हम पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे एंड द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज कुरतुलैन। क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा जो एक ऑडिशन राउंड था उसको क्वालिफाई करके आप यहाँ पे पहुंची हैं, कैसी आप फीलिंग है? नर्वस है और आज आपको दो दो जजेस का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में बताएं। मैं नर्वस हूँ थोड़ी सी, हमेशा की तरह हर वक्त नर्वस होती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना टास्क बहुत अच्छे से कम्प्लीट करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद तो यह है कि आज भी अपना बेस्ट दूंगी और जजेस को इम्प्रेस करूंगी। चले, वी रियली होप दैट डू। और जो कुरतुलैन का कॉन्फिडेंस है, वी रियली होप कि एंड तक इसी तरह बरकरार रहे। अभी आपने अपना काउंटर संभालना है, आपका है काउंटर बी, प्लीज आप उसकी तरफ जाइए। थैंक यू। फैजान और कुरतुलैन ने अपना अपना काउंटर संभाल लिया है, बाकी के दो पार्टिसिपेंट्स को भी हम बुलाएंगे जी। अब मैं बुलाऊंगी मुसरत को। अस्सलाम वालेकुम मुसरत, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मुसरत आपकी बरकरार है, पहले तो मुझे ये बताइए। खुश है? बिल्कुल ठीक है। और कैसा लग रहा है, आज आपको दो दो जजेस को फेस करना पड़ेगा और प्रेशर राउंड है, प्रेशर बढ़ गया है? बढ़ तो गया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा उतने जो टास्क मिले वो सही करूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शेफ रिदा को तो आप फॉलो करती होंगी? बहुत ज्यादा, ये हमारे शुरू से इनको फॉलो कर रही हूँ। चले जी मुसरत, आप भी अपना काउंटर संभाल लीजिए, आपका है काउंटर सी, प्लीज उसकी तरफ बढ़िए। मुसरत ने भी अपना काउंटर संभाल लिया है और ये वो काउंटर है जहां से आज किस्मतों के फैसले होने वाले हैं। और अब मैं बुलाऊंगी आज के इस एपिसोड के फोर्थ एंड फाइनल कंटेस्टेंट जो के हैं नताशा। अस्सलाम वालेकुम नताशा, क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक है, कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल। कैसा लग रहा है आज के इस टास्क को अच्छे से कर पाएंगी? यस। सो नताशा, अभी आपने भी अपना काउंटर संभालना है, ठीक है, और उसके बाद बाकायदा आपको टास्क भी दिया जाएगा हमारे जजेस की जानिब से। सो आप बढ़िए अपने काउंटर की जानिब जो कि है काउंटर डी। थैंक यू जी। हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने काउंटर संभाल लिए हैं और अब वो वक्त है कि उनको टास्क दिया जाए। लेकिन टास्क कौन देगा? ऑब्वियसली हमारे जजेस देंगे टास्क और जजेस को बुलाऊंगी मैं सबसे पहले। और सबसे पहले जिस जज को मैं बुलाने लगी हूँ वो है जी शेफ मानी। अस्सलाम वालेकुम मानी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सरीश आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और प्रेशर टेस्ट की एक और एपिसोड के साथ हम आ गए हैं और चार फिर से हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं और आज फिर फैसला होगा किस्मतों का। सो क्या लग रहा है, पिछली बार कंटेस्टेंट्स आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरे थे? बिल्कुल उतरे थे, और जो उतरे थे वो आगे गए और जो नहीं उतर पाए वो पीछे रह गए। और अब आगे जो है नए लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसा टैलेंट आ जाता है। अच्छा, आज इन चार पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई एक ऐसी टिप देना चाहेंगे जो इनको हर लेवल पे कामयाब करेगी और हर लेवल पे आगे लेके जाएगी? देखिए, प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। प्लानिंग कोई भी कॉम्पिटिशन है, लाइफ है, कुछ भी है, जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं, टास्क स्टार्ट करते हैं, उसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो भी मिलेगा उसको कितने अच्छे तरीके से ये स्टार्टिंग से ही प्लान करके चलते हैं ताकि इनका फिनिश भी सही तरीके से हो और इनको कोई प्रॉब्लम ना हो टुवर्ड्स द एंड। चलिए जी, लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है। अभी आपने संभाल लेनी है अपनी सीट, सो आप बढ़िए अपनी सीट की जाने।
जी ये तो थे शेफ मानी और इन्होंने संभाल ली है अपनी सीट और अब मैं दावा देना चाहूंगी हमारी दूसरी जज और जिनको कहा जाता है मसाला की क्वीन भी और मसाला की क्वीन तड़का क्वीन इनको कहा जाता है और लेट्स इनवाइट देम और मैं बुलाना चाहूंगी शेफ रिदा को। अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है, कैसी हैं? मजे में जी। अच्छा मैं मानी से भी यही बात पूछ रही थी कि जैसे कि पिछले हमारे चार कंटेस्टेंट्स थे और उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करके अगले टास्क के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और कुछ नहीं कर सके, सो आज ऐसी क्या एक टिप है जो आप इन तमाम कंटेस्टेंट्स को देना चाहेंगी? देखिए जब इनको पता है कि हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और उसके बाद इन लोगों ने कुकिंग भी करनी है, बहुत सारी चीजें इनको नहीं पता हम क्या इनको टास्क दे रहे हैं, जो हम आपको टास्क देंगे आपने वही इनग्रीडियंट्स उठाने हैं और उसी से आपने स्टार्ट करना, मतलब वही चीज है जैसे आपने कहा था कि आपने प्लानिंग प्रॉपर करनी है, क्या चीज आप बनाने लगे हैं, क्या टास्क है और उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी और आपका लिमिटेड जो एक टाइम है उसके अंदर आप कैसे उसको कोप कर सकेंगे। रिदा आप प्लीज अपनी सीट संभाल लीजिए। थैंक यू जी। हमारे जजेस ने तो अपनी सीट संभाल ली है और अब वो वक्त है कि जब हमारे कंटेस्टेंट्स को टास्क दिया जाए, तो मैं पूछूंगी शेफ रिदा से कि रिदा क्या टास्क दिया जा रहा है आज के पार्टिसिपेंट्स को? आज का टास्क इनको ये दिया जा रहा है, एक चिली चिकन है और फ्राइड राइस है और इनके लिए ये बड़ी आसानी है कि यहाँ पर बेक पार्लर की सॉसेस पड़ी हुई है जिसमें टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस, सिरका है और साथ में यहाँ पर शान के मसाला जाता है और उसके अलावा यहाँ पे राइस आपको मिलेंगे मेट्रो कैश एंड कैरी की जो लॉन्ग राइस है, तो बस अब आपने मजेदार जो ऑथेंटिक चाइनीज होता है वो आपने बताना है। यहाँ पे क्योंकि वक्त हुआ जाता है टास्क का तो मैं अभी जजेस को और पार्टिसिपेंट्स को अकेला छोड़ देती हूँ ताकि जजेस उनको उनका टास्क दें। फिलहाल मैं जाती हूँ जरा बाहर एंड लेट्स सी कि क्या होने वाला है आज के इस राउंड में। तो पार्टिसिपेंट आपका पेंट्री का टाइम पहले आपको दिया जाएगा जो कि 3 मिनट्स का है और आपने अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंगली इंग्रेडिएंट्स जो है पेंट्री से पिक करने हैं। आपकी रेसिपी है चिली चिकन एंड एग फ्राइड राइस, उसके इंग्रेडिएंट्स आप वहां से पिक करेंगे, उससे ज्यादा कोई चीज मत उठाइएगा आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आपका जो पेंट्री टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। को देखा पेनेट्री में सब चीजें देखी तो मैंने उसी वक्त माइंड में जो चीजें मुझे क्लिक कर रही थी कि हाँ यार ये यूज हो सकती है तो मैंने वो जल्दी से पिकअप कर ली। दोनों जजेस को इम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल था, उन्होंने मुझे टास्क दिया चिली चिकन का, जो ऑथेंटिक चाइनीज चिली चिकन है वो बनाने का। अपनी 100% ट्राई करने की सोची हुई है और अब टास्क मिला है तो देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या होगा। We all really want कि हमें एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें मिल रही हो और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस मिल रही हो, तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू कि हमने जाना है जी मेट्रो कैश एंड कैरी पर, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ आपको चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी बल्कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में होंगी। नताशा आप कुछ परेशान लग रही थी कि आपको कुछ मिला नहीं था वहां से? मिल गया। मिल गया। Are you done with the pantry? Yes. Okay, जी, I'm starting the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Stop picking up the stuff. See, आपका टाइम पेंट्री का ओवर हो गया। ओके जी, आप सबने पेंट्री में से अपनी पसंद का सामान जो है पिक कर लिया अपनी अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंगली। अब आपको आपका कुकिंग टाइम दिया जा रहा है जो कि है 45 मिनट्स का और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मेरे साथ 3 पार्टिसिपेंट थे, मुसरत, कुरतुलैन और फैजान। मुझे लगता था कि मुसरत जोनसा मेरे से अच्छा कर लेगी और टाइम वो टाइमिंग को भी मैनेज कर लेंगी। जब मुझे टास्क मिल गया तो मैंने बाकी कंटेस्टेंट्स की तरफ देखा तो मुझे उसमें लग रहा था कि कुरतुलैन काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने टास्क के हवाले से कि वो अच्छा बना लेंगी। फैजान ने वेजिटेबल शुरू कर दी है।
मैंने कटिंग बोर्ड चेंज कर दिया चिकन का, स्मार्ट, वेरी नाइस। शान फूड्स की ये जो वाइड रेंज आप देख रहे हैं, इसको जब आप अपने खानों में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके खानों में इतना मजे का एक टेस्ट भी आ जाएगा और आपके खानों के जायके को बहुत ही ज्यादा इनहांस भी कर देगा ये, और साथ में अरोमा भी बेस्ट होगी। मसरत, आप गार्लिक को क्या क्रश कर रही हैं, क्या कर रही हैं गार्लिक को? क्रश कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको शान का जिंजर गार्लिक पेस्ट मिल रहेगा, आप उसको यूज कर लें, ये तो आपके लिए आसानी है, आपका टाइम भी बच जाएगा। चावल किस किस ने उबाल ली है वेजिटेबल फ्राइड राइस के लिए, एग फ्राइड राइस के लिए? अच्छा, नताशा ने उबाल ली है। रिदा, आपको क्या लग रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक चावल डन नहीं किए वो आगे इसको कंप्लीट कर लेंगे इस काम को? देखिए, हमेशा जब चाइनीज राइस बनाए जाते हैं उनको ठंडे राइस यूज किए जाते हैं, और आपने इनको हिंट भी दे दिया था कि पहले राइस बॉइल कर लें। कर लें कल, कि अभी भी उन्होंने काम नहीं किया। बेक पार्लर ने इस चीज को बहुत आसान कर दिया, क्योंकि अब आप इंस्टेंटली घर बैठे ऐसी चीजें बना सकते हैं जिनमें टेस्ट आएगा आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। समझ नहीं आ रहा कि दो जजेस को इम्प्रेस करना है मुझे, और मैं किसको इम्प्रेस कर पाती हूँ और किससे मैं रिमार्क्स कैसे दे पाती हूँ? आप तो बड़े स्लो चल रहे हैं, अभी तो राइस भी नहीं बॉयल हुए, चिकन को भी नहीं मैरिनेट किया और सिर्फ वेजिटेबल कटिंग करके रखी है, और आधे से ज्यादा टाइम गुजर गया इनका। मैं इसमें कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये जो आपने कटिंग की किस चीज के लिए की है, चिकन के लिए की है या फिर आपने राइस के लिए की है? ये मैंने कुछ वेजिटेबल, ये जो चिलीज हैं ये मैं चिकन में डालूंगा, बाकी वेजिटेबल्स में राइस में डालूंगा। वैसे कटिंग बहुत जबरदस्त की है उन्होंने, बड़ी जबरदस्त उन्होंने कटिंग की है। थैंक यू। चले टेस्ट करके भी आपको बताएंगे। अच्छा, मुसरत को देखती हूँ। अच्छा मुसरत, ये चिकन आपने चिली के लिए फ्राई किया? चिकन जी, उसके लिए मैरिनेशन करके ना। और आपकी वेजिटेबल वगैरह कर रही हूँ, बड़े स्लो है आप लोग तो भाई। आशा ने तो काफी स्पीड पकड़ी हुई है। राइस हो गई, दम पे रखे क्या किया? वो मैंने राइस ड्रेन आउट कर रही है जी, वो मैंने कहा थोड़ा सा ठंडे हो जाएगा। वेजिटेबल कटिंग कर ली है सारी, और चिकन को मैरिनेट किया है, वैसे रखा वैसे ही रखा। इतना टाइम आप लोग, ये पास्ता सभी अधूरे अधूरे ही लग रहे हैं। चले मैं आगे जाके देखती हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, आप क्या कर रही है? राइस बॉइल जी, स्ट्रेन कर ली है। अच्छा, ये आपने बॉइल करके रखी है, और वो नताशा की राइस है। नताशा की, देखना मिल ना जाए दोनों। नताशा प्लीज, ये मेरे राइस इसको मत तुम्हारे वो वाले हैं। जी रिदा, आप वहाँ पे हैं, आपको क्या सिचुएशन लग रही है, कहाँ तक पहुँचे ये लोग? मानी, अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि सारे अधूरे हैं, ना किसी के राइस कंप्लीट हुए हैं, ना चिकन कंप्लीट हुआ है, सबका मुझे कोई लग नहीं रहा। आप वार्निंग देखे हैं इस तरीके से, तो टाइम खत्म हो रहा है। बस अब देख ले, इन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आगे जाना जाएंगे। फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने चिकन बॉयल कर लिया है। बॉइल की है ना आपने? अच्छा, इनका चिकन बॉइल है, बाकी सब लोगों ने कच्चा ही रखा, उसको मैरिनेट भी नहीं किया। मानी, अभी तो सबके ही इनकम्प्लीट है, ना किसी ने राइस प्रॉपर तरीके से रेडी किया है, ना किसी ने चिकन रेडी किया है। अभी मेरे खड़े होते ही नताशा ने थोड़ा सा स्पीड पकड़ ली थी, अभी मुझे नहीं लग रहा कितनी जल्दी ये लोग कर पाएंगे। चले देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। टाइम भी इनके पास बहुत थोड़ा रह गया है। जजेस, काफी टाइम हो गया है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स अपने टास्क को कंप्लीट करने में मशगूल हैं। इस मोमेंट पे रिदा और मानी, आप कोई ऐसी टिप शेयर करना चाहें जिससे हमारे पार्टिसिपेंट्स एक टाइम फ्रेम के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट कर सके, क्या ऐसी टिप होगी? देखिए, टिप इस टाइम पे जब टाइम एंड होने पे आ गया है तो बहुत कम जो होती है जो कारगर होती है, बट यही कहूंगा कि हाथ थोड़ा स्पीड को कंसिडरेशन में रखें। सो हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स पे इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और मुकाबला है सख्त। हमारे जजेस तो किसी हद तक नाउमीद भी हो रहे थे, तो अब क्या राय है आपकी?
लेकिन सरिश जब रिदा गई थी तो मुझे बड़ी मायूसी हुई थी, क्योंकि रिदा ने जो मुझे आके पूरा एक पिक्चर पोर्ट्रे की कि वहाँ पे इतनी अच्छी प्लानिंग से काम नहीं हुआ, तो शी वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि ये लोग कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। बट ये कि मुझे अभी भी एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि क्योंकि कंपटीशन है और इनके पास भी चांस है टू प्रूव देमसेल्व्स, तो शायद ये लोग स्पीड अप पकड़ लें। और थोड़ा सा रिदा आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल मानी वाली बात को मैं एग्री करूंगी कि मैं भी अब इनको एक जोश चढ़ जाए और फटाफट अपनी स्पीड पकड़ लें तो ये कर लें। तो ऑलमोस्ट कितना टाइम रह गया हमारे पास? टाइम तो मेरे ख्याल से इनके पास 10-15 मिनट रह गए और इससे ज्यादा अब इनके पास टाइम नहीं बचा। और जैसा कि अब आप लोग जानते हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, इसलिए मैं भी पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। सो ओवर टू यू जजेस। चिली चिकन विद फ्राइड राइस का तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैंने घर में यूजुअली चाइनीज ऐसे बनाया था कि चाशलेक विद फ्राइड राइस। मैंने कभी भी चिली चिकन फ्राइड नहीं की थी और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे बनती है। जी फैजान, आपका कहाँ तक पहुँचा है? मैं अपनी चीजें तैयार कर रहा हूँ राइस के लिए, फ्राई कर रहा हूँ वेजिटेबल्स और अंडे। ये किसके लिए? चिली चिकन। ये चिली चिकन है। अच्छा, अभी मैंने इसको फाइनल कर दिया। और अब आप फ्राइड राइस कर रहे हैं। जी नताशा, आपका कहाँ तक पहुँचा है? मेरे पास फ्राइड राइस हो गया। अच्छा ठीक, ये इसमें क्या है? चलो आप अभी चावल जल्दी करें स्पीड अप, क्योंकि ये तो अभी चावल आप के रहते हैं सारे। जी कुरतुलैन, मेरा ऑलमोस्ट डन है सॉस भी। अच्छा, यू आर डन डन ग्रेट ग्रेट। जी तो रिदा, आप जब आई थी तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी और मुझे सिचुएशन जो है वो थोड़ी बेहतर लग रही है और शायद ये लोग जो है अब इसको कंप्लीट कर लें। अगर जायके को इनहांस करना हो, चाहे वो देसी फूड हो या फिर हम कोई भी इंटरनेशनल फूड या इंटरनेशनल क्यूजीन ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे साथ हमेशा रहता है साथ कोका कोला का। और कोका कोला एक ऐसा ब्रांड है जो हमेशा फैमिली बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा इनहांस करता है। जी बिल्कुल, कोई भी गैदरिंग हो, आपकी फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, आप किसी डिनर पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो यू ऑलवेज वॉन्ट कि आपके खाने में साथ में अगर कोई चीज अकंपनी कर रही है तो वो कोका कोला हो। कुरतुलैन ने तो अपना प्लेटर पूरा रख दिया है डेकोरेट करके, बल्कि ऊपर से स्प्रिंकल कर रही है ब्लैक पेपर वगैरह, तो पूरा प्लेटर उसका रेडी हो गया। दीदी दा, जब मैं वहाँ गया था तो कुरतुलैन जो है शी वाज ऑल डन विद द टास्क और ये प्लेट कर लिया है इन्होंने, तो ये बड़ा अच्छी बात है कि इन्होंने बिफोर टाइम जो है इसको कम्प्लीट किया है। जी और अभी इनका टाइम भी ऑलमोस्ट सबका खत्म होने वाला है, बस कुछ ही देर में काउंट डाउन स्टार्ट करेंगे और दे वोंट बी हैविंग एनी यू नो फर्दर। ये हैंड सैनिटाइजर जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मजे की बात ये है कि आम सैनिटाइजर्स की तरह ये नहीं है कि इसकी बहुत ही एक टिंजी सी कोई स्मेल होगी या बहुत ही अजीब सी एक आपको फ्रेग्रेंस आएगी, बल्कि बहुत प्यारी प्यारी फ्रेग्रेंसेस में आपको ये मिल जाएगी। एक वाइड वैरायटी है इसकी। ओके जी, आपका टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप 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 सरस स्टॉप। जी यहाँ पे वक्त थम गया है क्योंकि कंटेस्टेंट्स का टाइम खत्म हो गया है और जजेस ने भी उनको रुकने का एक इशारा कर दिया हुआ है, लेकिन लेट्स सी कि अब वो हमारे जजेस को इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं। तो जजेस, सबसे पहले हम किस पार्टिसिपेंट को बुलाने लगे? सरिश,
बुलाने से पहले मैं एक चीज जरूर यहाँ पे इनको दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि एसओपीज को जरूर फॉलो करना है और अपने हाथ सैनिटाइज करने नहीं भूलने हैं क्योंकि अब टेस्टिंग करवानी है और सैनिटाइज करने के लिए हैंड सैनिटाइजर हिमानी की तरफ से इनके काउंटर्स पे हैं, तो जो भी आएगा सबसे पहले जिसको हम कॉल करेंगे ही और शी हैज टू यू नो सैनिटाइज हिज और हर हैंड्स, राइट? ओके, सो दे हैव टू सैनिटाइज देयर हैंड्स. शफीदा, सबसे पहले किसको बुला रहे हैं? कुरतुलैन को बुला लेते हैं. कुरतुलैन, काइंडली आ जाइए. थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आपने कैसे बनाया. मैंने फर्स्ट चिकन को बॉईल करने रखा जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ. फिर उसके साथ ही मैंने राइस बॉईल करने रख दिए. राइस बॉईल हो गए, मैंने उसको स्ट्रेन किया. उसके बाद मैं जब चिकन बॉईल हो गई, सॉस के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल में गार्लिक पाउडर छान के पड़ा हुआ था वो मैंने डाला. उसके बाद केचप, चिली गार्लिक, सोया सॉस, सीसम सीड्स, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन एंड चिली सॉस. रिदा ने जब ये आपको टास्क अनाउंस किया था तो रिदा ने उसको आपको कहा था ऑथेंटिक चाइनीज, ठीक है, ऑथेंटिक चिली चिकन. अच्छा, ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है. आपने बेक पाले की सॉसेज यूज किए हैं, चिली सॉस यूज किया है, लेकिन आपने थोड़ा एक्सेस यूज कर दिया, ठीक है. उसका बैलेंस रखना जो है बेसिकली वही आपका एक स्किल टेस्ट था. तो थोड़ा सा मुझे आपकी जो चिकन चिली है वो थोड़ी सी लेट डाउन है. चावल आपके कदरे बेहतर हैं, कलर उनका थोड़ा डार्क हो गया. आपने सोया सॉस बेक पाले की थोड़ी ज़्यादा डाली है तो उसका जो वाइट कलर थोड़ा सा एग फ्राइड राइस का आना चाहिए वो थोड़ा सा डल हो गया है, बेज कलर हो गया, पुलाव वाली रंगत आ रही है ज़्यादा. शीरदा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं भी मानी की तरह सेम वही कहूँगी. और ये हमने कहा था चिली चिकन, ये ऊपर सिसमी सीड, मंगोलियन चिकन तो हमने कहा नहीं था कि आपने सिसमी सीड ऊपर डाल दिए. फिर इसकी सॉस इतनी गाढ़ी बना ली और बहुत ज़्यादा सिरके का भी आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है, बेक पार्लर का सिरका है, आप यूज़ कर सकते हैं. तो मैं भी इसको यही कहूँगी कि स्वीट एंड सार चिकन है, ये चिली चिकन नहीं है. चलिए कुरुतुलैन, आप अपनी रेसिपी को उठा लीजिए एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट होने लगा है एट द एंड. मेरे राइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लगे शेफ मानी को, और चिकन में थोड़ी सी विनेगर ज़्यादा हो गया था लेकिन चल गई. तो अब हम किसे बुलाने लगे हैं? सरिश फैजान को बुलाऊंगा मैं. फैजान, अब अपनी रेसिपी के साथ प्लीज आ जाइए. जी फैजान, आपके लिए छोटा सा एक टिप है प्लेटिंग के लिए. जब नेक्स्ट आपके भी प्लेट करें किसी भी फूड को तो आपके कार्ब्स और आपकी प्रोटीन जो इन प्रोपोर्शन होनी चाहिए. आपके यहाँ पे प्रोटीन का पोर्शन जो मेन कोर्स है वो बहुत कम है और कार्ब क्योंकि साइड्स हैं उसका पोर्शन बहुत ज्यादा है. तो ये आप जरा नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट कभी भी आप किसी को कोई चीज प्रेजेंट करें इन दिस सिंगल सर्विंग मैनर तो उसमें आप इसको कंसिडर जरूर कीजिएगा, ठीक है. अभी मैं टेस्ट करता हूँ फिर आपको उस पर आपकी फीडबैक देता हूँ. जो था उसमें आपने बहुत ज्यादा, आई थिंक इसमें टोमेटो पेस्ट भी डाली है आपने. कब डलती है उसमें? तो डलती ही नहीं है ना. टोमेटो पेस्ट डाली है, थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बहुत ज्यादा नमक के साथ. और राइस थोड़ा सा मुझे खिचड़ी वाला उसका थोड़ा सा आ रहा है टेस्ट, चाइनीज वाला नहीं आ रहा. आपके जो चावल है बेसिकली बॉइल्ड राइस है और जो आपने ये चिली चिकन बनाया है नमक आपने इसमें इतना डाला, बहुत ज्यादा, इतना नमक है कि जिसको ब्लड प्रेशर ना भी हो ना उसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा. तो आपने टेस्ट किया था खुद ये हमें सर्व करने से पहले? जिन बीच में एक दफा किया था. हाँ, तो आपको सही लगा था? थोड़ा सा ठीक लगा था, हल्का सा ज्यादा था मगर इतना ज्यादा नहीं लग रहा था मुझे. अच्छा, लग रहा था. बट हमेशा आपका जो कुक है या जो शेफ है whoever is cooking, उसका सबसे पहला असूल ये है कि बिफोर सर्विंग द फूड आपको खुद टेस्ट करना है, कि वो सर्वेबल है भी, पैलेटेबल है भी, लोग खा सकेंगे उसको कि नहीं. अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो देन एंड देयर आप उसको एडजस्ट कर लें, ठीक है. बट आपने अब कंपटीशन के लिए प्लेट बनाई, आपने हमें सर्व भी कर दिया हम जजेस को और वो अप टू द मार्क नहीं था. तो अब जो भी बनाया आपने हम तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क करेंगे इसको, ठीक है. बट मैंने आपको जो बताया, जैसे रिदा ने बताया कि आपकी सीजनिंग बहुत ज़्यादा है और चिली चिकन को आप अभी तक मैंने जितनी टेस्टिंग की है सब ने मिसकंसीव किया है कि चिली चिकन जो रिदा ने आपसे ऑथेंटिक चाइनीज स्टाइल का मांगा था वो अभी तक मुझे किसी ने भी यहाँ पे प्लेट पे प्रेजेंट नहीं किया. वेल एनी हाउ, अभी आप इसको ले जाइए और हम देखते हैं कि आगे टेस्टिंग्स आपसे बेहतर आती हैं या किसी लेवल की आती हैं. सो वी कांट से एनीथिंग राइट नाउ. जब जजेस ने मुझे अपने पास बुलाया और मैंने अपनी डिश प्रेजेंट की तो उनके रिमार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं थे क्योंकि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर सका था.
तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर था कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करूंगा कि नहीं करूंगा। तो अभी मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ कि पता नहीं क्या रहे मार्क्स होंगे उनके एंड पे और वो किसको चूज करेंगे, कौन नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेगा। तो इस वक्त मैं काफ़ी कन्फ्यूज और नर्वस हूँ सवाल से। जी अभी तक दो पार्टिसिपेंट्स अपनी रेसिपीज पेश कर चुके हैं एंड अभी भी दो रहते हैं और लेट्स सी कि क्या रिजल्ट होने जा रहा है, क्योंकि मुकाबला काफी सख्त लग रहा है, प्रेशर काफी ज्यादा बनता जा रहा है। सो अब हम किसको बुलाने लगे हैं? रिजा बताइए। मेरे ख्याल में नताशा को बुला लेते हैं। जी नताशा प्लीज आ जाइए। करते हैं, बस अब इस पे कुछ कहने। नताशा आपके लिए भी वही चीज है, हम टेस्ट तो करेंगे बिकॉज आपने हमें सर्व किया ये कुक करके, बट जो चीज अपेरेंटली नजर आ रही है ये वो चीज नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे यहाँ पे, जो टास्क दिया गया था। शेफ रिदा क्या रिमार्क्स हैं आपके? राइस तो बहुत अच्छे बने हैं, इसमें मतलब वो फ्लेवर आ रहा है जो चाइनीज राइस का होता है, एग फ्राइड राइस का। बहरहाल टेस्ट में आपने भी आई थिंक टोमेटो पेस्ट इसमें डाला है ना, लेकिन एक चीज मैं ये कहूंगी, जिस तरह से हमने कहा ना चिली चिकन, तो इन्होंने कैप्सिकम डाल दी और साथ में आपने अनियन भी डाला, तो आपने भी इसको थोड़ा सा स्वीट एंड सार का वो टेस्ट दे दिया। नताशा मैं भी यही कहूंगा, चावल आपके कदरे बेहतर है बल्कि अच्छे हैं सो फार, जो अभी तक मैंने टेस्टिंग्स की हैं तो उसमें अभी तक के अच्छे चावल हैं, मगर आपकी जो मेन कोर्स था चिली चिकन इस शाशलिक बेसिकली, और थोड़ा सा जो टेक्निक वेजिटेबल्स की है, आपकी सब्जियां मर चुकी हैं इसके अंदर, तो आपने इसको ओवर कुक कर दिया। चाइनीज में कभी भी सब्जी डाल के उसको इतना नहीं पकाते एंड तक कि वो बिल्कुल सब्जियों की अपनी जो स्ट्रेंथ है वही खत्म हो जाए। तो ओवरऑल इट्स अ मिक्स बैग, अभी जो टेस्टिंग्स हुई हैं और जो आगे भी होंगी उसके बाद एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट आएगा, सो हो सकता है आप आगे चली जाएं, हो सकता है अभी नहीं जा सकें, सो ये हम डिसाइड करेंगे टुवर्ड्स द एंड, अभी आप ये प्लेट लेके जा सकती हैं। जब मैंने सर्व किया तो जज मानी ने कहा कि मेरे फ्राइड राइस सबसे अच्छे बने हैं, लेकिन जो मेरा चिली चिकन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक चाइनीज नहीं है, उसमें टोमेटो केचप यूज नहीं होनी थी, ये मुझे सीखने को मिला एंड नेक्स्ट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। अब हम रह गए हैं हमारी फोर्थ एंड लास्ट पार्टिसिपेंट के साथ एंड रिदा मेरे ख्याल में आप बुला लीजिए उनको। जी अब मुसरत ही रह गई है, तो मुसरत साहिबा आप आ जाए। आपके राइस कदरे बेहतर हैं मगर अब तो दिमाग नहीं है, वही पुलाव वाली रंगत है और सब्जियों की कटिंग भी देखिए, अगर जिस तरह से चाइनीज है तो ऑलरेडी उसमें इतनी वेजिटेबल डाली है, कलरफुल वो है, अच्छा। तो आपको ये ऊपर से सब चीजें ये नहीं डालनी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुसरत, मुझे आपसे बड़ी ज्यादा होप्स थी जब मैंने आपको ऑडिशन राउंड में ऑडिशन किया था और आपने हमारे लिए व्हाइट सॉस बेशमल बनाई थी, तो योर टेस्ट यू नो सॉस टेस्ट यू नो स्पॉट ऑन, तो उसमें इतना जबरदस्त एक एलिमेंट था कंसिस्टेंसी टेस्ट, बट अभी जो आपने मुझे यहाँ पे ये सर्व किया है सो इट्स अ लेट डाउन, लाइक मुझे अब ये लग रहा है कि आपके जो मैंने आपकी जो सिलेक्शन की तो मुझे नहीं लग रहा कि आप वही वाली मुसरत हैं जो उस दिन मुझे ऑडिशन राउंड में जो आपने टेस्टिंग्स कराई थी, अभी आप ही लेके जा सकते हैं, सो लेट्स सी कि क्या बनता है आपके। नेक्स्ट करूंगी कोशिश की और मजीद अच्छा करके तो दोबारा आऊं। आज के चारों पार्टिसिपेंट्स ने कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं किया हमारे जजेस को, लेकिन फिर भी मुकाबला काफी सख्त है और क्या रिजल्ट रहेगा, क्या मार्किंग्स रहेंगी ये हम जानेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बिग फादर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। Welcome back to Bake Parlor, the Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जी हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स को और मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार था।
जी ये वो मोमेंट है जिसमें ये डिस्क्लोज होगा कि कौन से हमारे वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे और किसको आज जाना पड़ेगा अपने घर। सो शेफ रिदा एंड शेफ मानी, आप दोनों प्लीज बताइए कि कौन है वो पार्टिसिपेंट्स जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा बिल्कुल सही, जरूर बताते हैं, मगर उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आज जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनमें और जो यहाँ से जा रहे हैं उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत मामूली सा फर्क है। बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस किसी की भी नहीं थी, बट समहाउ एक फॉर्मेट है प्रोग्राम का, एक कंपटीशन का, हम लोगों ने कुछ को सिलेक्ट करना है और कुछ को पीछे छोड़ देना है। तो जिस जो सिलेक्ट होके आगे जा रहे हैं नॉकआउट राउंड में, प्रेशर टेस्ट राउंड से नॉकआउट राउंड में मूव हो रहे हैं, उनमें भी पहला नाम है नताशा का, दूसरे हैं जी शहजान अमजद, और तीसरे नंबर पे जी जो जा रही हैं वो हैं कुरतुलैन। ठीक है जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जी, आप तीनों जो है क्वालिफाई करके नॉकआउट राउंड में जा रहे हैं, मगर एक चीज आपको मेरी एक टिप समझें या एक एडवाइस समझें कि आप लोगों ने इससे ज्यादा मेहनत करनी है, आज जो कुछ हुआ उससे बहुत बेहतर आपने परफॉर्म करना है नॉकआउट राउंड में, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत ऊपर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बार रेज होती जा रही है, कंपटीशन में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होगा आगे आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आज के कंपटीशन में तकरीबन चारों पार्टिसिपेंट थे सबने एक जैसी डिशेस बनाई थी, लेकिन ये कि जब जाहिर हमने किसी को सिलेक्ट तो करना ही था, लेकिन ये कि दोबारा आगे के जो राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के टफ होंगे, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इसके लिए आपने अच्छे से स्टडी करनी है ताकि आप आगे तक जा सकें। बहरहाल मुसर्रत, हम आपको फिर भी एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और मसाला टीवी का आप एक हिस्सा बनी। और मुसर्रत, आपने बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना, वी रियली होप कि नेक्स्ट आप जब सीजन आएगा उसमें लाजमी आएंगी और क्वालिफाई भी करेंगे और जीत के भी इंशाल्लाह तैयारी के साथ आएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी वक्त हुआ है कि हम इस एपिसोड को वाइंड अप करें, लेकिन इसी तरह की एक और एपिसोड यानी कि प्रेशर टेस्ट की एक और एपिसोड आपके सामने दोबारा हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए बिग पार्लर द फास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। जाते जाते शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेट्रो कैश एंड कैरी का जो कि हमारे पैंट्री पार्टनर है, साथ में वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशन एंड स्पेक्ट्रम ट्रेवल्स का, साथ में शुक्रिया अदा करूंगी फॉर टाइल किचन फिक्स्चर्स एनएक्स एंड शेफ कुकवेयर का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अब मैंने सोचा कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि आगे के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो टक्करदार हैं। अब मैं नेक्स्ट राउंड के लिए जब क्वालिफाई हो चुका हूँ तो मैं एक मोमेंट पे खुश भी हूँ कि मैं नेक्स्ट राउंड में जा रहा हूँ, मगर मुझे अगले राउंड के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे शेफ रिदा और शेफ मानी ने जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हैं और मुझे बताया है कि प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे की जाती है, तो मैं अगली बार उस चीज़ का खास ख्याल रखूंगा। इतना अच्छा मैंने प्रेजेंट भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं बच निकली हूँ अगले राउंड के लिए और बहुत एक्साइटेड हूँ और डर भी लग रहा है, और आइंदा स्टडी बहुत अच्छी करके आऊँगी, सब चीज़ों को बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आऊँगी।